नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो आध्यात्म रहस्य में। और आज हमारे साथ हैं स्वामी डॉक्टर नित्यनाथाचार्य जी महाराज। आज हम बात करेंगे कलयुग से जुड़े हुए रहस्यों के विषय में। कलयुग से जुड़ी हुई चीजें जो लगातार आप सुनते तो रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी उत्सुकता आज भी आपके मन मस्तिष्क में बनी होगी। तो आइए बात करते हैं उन्हीं सब विषयों में स्वामी डॉक्टर नित्यनाथाचार्य जी महाराज से। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी, कलयुग को लेकर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कलयुग को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे विचार और ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका समाधान लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग की जो आयु है, आयु कलयुग की कहा जाता है कि बहुत लंबी है, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा अनाचार बढ़ेंगे, बहुत सारी जो चीजें आज दिखाई पड़ रही हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। आपका क्या कहना है कलयुग के विषय में आने वाले समय को लेकर? भाई, कलयुग जो है महाराज परीक्षित जी के समय से प्रारंभ हुआ है जी। और कलयुग की आयु जो है 432,000 वर्ष है, मनुष्य की आयु की, हम लोगों की आयु के हिसाब से 432,000 वर्ष है, और देवताओं के हिसाब से वो 1200 वर्ष है जी। देवताओं तो अब उसमें ये कहा गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जब देवताओं के 1000 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तो उसके बाद जो है अब जो अनाचार दुराचार व्याप्त हो गया है उसके लिए फिर वहाँ कल्कि की भगवान का अवतार बताया गया है। और कल्कि की भगवान जब अवतार लेंगे तब वो जो है वो मलेच्छों का नाश कर दूसरों का नाश करेंगे, और उसके बाद जो है फिर सतयुग प्रारंभ होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, आपने बताया भी कल्कि भगवान अवतार लेंगे। कल्कि भगवान के अवतार को लेकर बात की जाए, अभी आप बता रहे थे कि 432,000 वर्ष इसकी आयु है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि कल्कि अवतार कब तक हो सकता है? भाई, कल्कि अवतार जो है एक जब देवताओं के हिसाब से 1200 वर्ष कलयुग की आयु है, और 1000 वर्ष जब बीत जाएगा तब उसके बाद अवतार का लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष बाद अवतार होगा, और उसको तो अब वो उनका अवतार जो है वो संभल नामक ग्राम में होगा, जहाँ की विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर पे होगा। और विष्णुयश ब्राह्मण जो है वो अत्यंत बहुत उदार, बड़े उदार ब्राह्मण थे रहेंगे, और वो भगवत भक्त रहेंगे, भगवत भक्त से उनका जीवन परिपूर्ण रहेगा। तो उनके यहाँ भगवान जो है कल्कि भगवान अवतार लेंगे। आपने कहा कि जो विष्णुयश ब्राह्मण होंगे वो बहुत उदार होंगे, क्या ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में, आपने 1000 वर्ष की बात किया, 1000 वर्ष के बाद जब कल्कि अवतार होगा उस समय तक जो अत्याचार है, अनाचार है, ये सब चीजें और काफी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी? हाँ, इतना ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जो है जो जो सज्जन पुरुष जिन्हें उस कहा जाएगा, सत्पुरुष कहा जाएगा, तो सत्पुरुषों के घर में भी ये स्वाधा स्वधा वखरकार आदि जो ध्वनियां होती हैं, वेद ध्वनियां होती हैं आहुत के लिए, वो सब कहीं सुनाई नहीं देगा। और इतना जो है वो जो शासक भी होंगे उस समय, तो जो राजा होंगे, शासक होंगे, वो अधर्म मार्ग पे चलेंगे, और वो चोर लुटेरे डकैतों की तरह काम करेंगे, प्रजा का शोषण करेंगे। तो आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि प्रजा का शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो आज पूजा पाठ जब तक कीर्तन हो रहा है सब बंद हो जाएंगे, और अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। तो अच्छा, अब उस समय भगवान के जो देवताओं की आयु के हिसाब से 1000 वर्ष बाद अवतार की बात कल्कि भगवान कही गई है, तो जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे और वो जो राजा उस समय मलेच्छ रहेंगे, अत्यंत नीच रहेंगे, उन राजाओं का, उन दुष्टों का वो भगवान संहार करेंगे। हाँ, तो जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तो ब्राह्मण के, विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर पे, तो उनके अवतार के बाद जो है वो उनको परशुराम जी, भगवान परशुराम जी उनको वेद की शिक्षा देंगे, और भगवान शिव जी
उनको शस्त्र शस्त्रास्त्रों के संधान की शिक्षा देंगे और उनको एक जो है देवदत्त नाम का घोड़ा दिया जाएगा और उनके द्वारा, और एक खड़ तल उनको दी जाएगी, तलवार दी जाएगी। तो वो कल की भगवान जो है फिर ब्राह्मण कुमारों की एक सेना तैयार करेंगे और उस सेना के माध्यम से वो जो ऐसे राजा रहेंगे, मिलेच्छ राजा रहेंगे, दुष्ट राजा रहेंगे, उनका संहार करेंगे। और उस समय जो पब्लिक बची रहेगी जनता, उनके मन में सात्विकता का संचार हो जाएगा, सात्विकता का संचार करेंगे और उसी के बाद जो है कलयुग प्रारंभ होगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद जो है। तो यहाँ से कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। अभी आपने बताया कि विष्णु यश ब्राह्मण घर में जब कल्कि का अवतार होगा और जब वो बड़े होंगे तो भगवान परशुराम उनको शिक्षा देंगे, वेद की शिक्षा देंगे। और साथ ही साथ आपने कुछ अस्त्र शस्त्र की बात किया था अभी, शिव जी जो है उनको शस्त्रास्त्र की शिक्षा देंगे, शिव जी उनको देंगे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा है या रामायण देखा है तो उसमें जब भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे होते हैं तो उनको जो देवता होते हैं वो भी अपने अस्त्र शस्त्र कहीं ना कहीं देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उस समय जो इंद्र हैं, इंद्र अपना ऐरावत भगवान श्री राम के लिए भेज देते हैं ताकि वो युद्ध में रावण से लड़ सकें और उस पर विजय प्राप्त कर सकें। तो कुछ यही कहा जा रहा है आने वाले समय में जब कल्कि का अवतार हो जाएगा और उनको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी तो भगवान परशुराम उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, वेद की शिक्षा देंगे और साथ ही साथ भगवान शिव उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। गुरु जी और क्या चीजें हैं कलयुग को लेकर जो आने वाले समय में कही जा रही है? उसमें ये भी है कि जब कलयुग समाप्त होगा, सतयुग प्रारंभ होगा, उस समय का वो स्थिति बताई गई है कि उस समय क्या स्थिति रहेगी, अर्थात चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति ये तीन ग्रह के विषय में बताए गए हैं कि चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति उस समय जो है वो पुष्य नक्षत्र में, एक नक्षत्र अर्थात पुष्य नक्षत्र में जैसे ही प्रथम पल पे प्रवेश करेंगे और उस एक राशि रहेगी कर्क राशि रहेगी तो उसी समय सतयुग प्रारंभ होगा, उस समय ये घटना घटेगी सतयुग प्रारंभ होने का। तो सतयुग प्रारंभ तब होगा जब चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति तीनों एक ही नक्षत्र में होंगे और वो नक्षत्र होगा पुष्य नक्षत्र। जब ये चीज होगी जैसे ही प्रथम पल में पुष्य नक्षत्र में ये तीनों प्रवेश करेंगे उसी समय घटना होगी और उसके बाद से कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग में जो मनुष्य होंगे गुरु जी, अभी चूंकि कलयुग चल रहा है, आज अभी जब 5000 वर्ष मात्र पूरे हुए हैं कलयुग को, तो अनाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, जब तक पूजा पाठ को लेकर इतनी ज्यादा लगातार खबरें आती रहती हैं, कहीं पर कुछ किया जा रहा है, कहीं पर कोई घटना हो रही है। आने वाले समय में जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्या स्थितियां होंगी वेद पुराणों के अनुसार? भाई कलयुग में जब अंतिम चरण में आएगा तो उसमें ये होगा कि धन की प्रधानता रहेगी, हाँ, जिनके पास धन रहेगा वो भी अधर्म का धन रहेगा, वो ही सदाचारी सद्गुणी और सुशील समझे जाएंगे, हाँ, और जो है जिनके पास शक्ति रहेगी, जिनके पास शक्ति रहेगी वो धर्म को और न्याय को अपने हिसाब से व्याख्या कर लेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे, प्रयोग करेंगे, जिनके पास शक्ति रहेगी, हाँ, तो धर्म को और न्याय को अपने हिसाब अपने व्यवस्था के अनुसार वो धर्म और न्याय बनाएंगे जो है, अर्थात अधर्म के हिसाब शक्ति को जो है अधर्म और अन्याय को वो धर्म और न्याय के रूप में मान करके प्रयोग करेंगे। तो जिनके पास धन होगा, जिनके पास पावर होगी, जिनके पास शक्ति होगी, वो सारी चीजों को अपने अनुसार बदल लेंगे। गुरु जी देखा तो आज भी जा रहा है, जिसके पास धन है और जिसके पास शक्ति है, सारा कुछ उसी के हाथ में है, सारा कुछ उसी के पाले में है। तो आने वाले समय में ऐसा माना जा सकता है कि ये चीजें कहीं और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी और लोग धन लोलुप हो जाएंगे और शक्ति लोलुप भी हो जाएंगे। हाँ, तो अभी तो करीब 5,152 साल हो रहा है कलयुग का प्रारंभ, अभी तो शैशव अवस्था में कलयुग है,
और ये तो बहुत आखिरी अवस्था की बात हो रही कि जब देवताओं के 10,000 वर्ष बीत जाएंगे, और सॉरी 1,000 वर्ष बीत जाएंगे, और चूंकि 1,200 वर्ष पूरा होना है देवताओं का, तो जब 1,000 वर्ष बीत जाएंगे उनके, तो कलयुग अपने चरम पे रहेगा, जब चरम पे रहेगा तब तो कोई किसी को पहचानेगा नहीं। हाँ, सोचने वाली बात है कि जिसके अत्याचारों की बात की जा रही है, वो बालक जो आने वाले समय में बताया जा रहा है कि जब वो बड़ा होगा तो अत्याचार बढ़ जाएगा, उसका प्रभाव इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके अत्याचार से दुनिया त्राही त्राही कर उठेगी। अभी वो शैशवावस्था में है और उसका प्रभाव इतना ज्यादा है, जब वही बड़ा हो जाएगा उसका प्रभाव बढ़ेगा तो क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस विषय को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है ये चीजें आगे आने वाले समय में कितना सही होने वाली है और इनका क्या प्रभाव होने वाला है, कलयुग का प्रभाव क्या वास्तव में आज दिख रहा है, और अगर हाँ तो इसको आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय श्री राम। जय।